HR1 को हमने डिलीट किया था, ठीक है। तो मैं क्या करना है, यस करना है। HR2 यस। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे जितने भी OUs थे, नमस्कार दोस्तों। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अगर हम एक्सीडेंटली एक्टिव डायरेक्टरी में कोई यूजर्स कंप्यूटर या ऑर्गेनाइजेशन यूनिट डिलीट हो जाता है, या सपोज मान लीजिए हमने किसी अपने कोलिग्स को या जो भी हमारे सपोर्ट में हैं उनको हमने डेलीगेशन कंट्रोल दे रखा है, मतलब राइट्स दे रखा है यूजर्स बनाने के, डिलीट करने के, और उनसे बाय चांस एक्सीडेंटली डिलीट हो जाता है, या उनको रिक्वायरमेंट होती है डिलीट करने की, बट बाद में पता लगता है कि नहीं, हमें उससे तो डिलीट नहीं करना था, अभी हमें उसे रिस्टोर करना है। या हमारे से कभी कभी काम करते करते कभी कभी कोई भी OU या यूजर्स या कंप्यूटर्स ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है, तो दोस्तों इसको कैसे रिस्टोर करें हम, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक टास्क बन जाता है। कि कोई भी OU जो कि बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कि अगर कोई पर्टिकुलर OU डिलीट हो जाता है तो उसको रिस्टोर करना एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है, ठीक है। तो बिफोर 2012 से पहले देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन थे एक्टिव डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट रिस्टोर करने के, वो थे अगर हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप है, राइट, तो डायरेक्टरी रिस्टोर मोड पे जाकर उसको हम रिस्टोर करते थे, राइट। बट विंडो 2012 सर्वर्स में एक फीचर्स आ गया था, आगे आई मीन मतलब कि आ गया है, अभी अवेलेबल है, कि अगर आप रिसाइकल बिन अगर इनेबल कर देते हैं या इनेबल करके रखते हैं, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट एक्सीडेंटली डिलीट हो जाता है तो उसे वहां से रिस्टोर कर सकते हैं। बट अगर आपने रिसाइकल बिन इनेबल कर रखा है तो, राइट दोस्तों। बट दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हमारे पास रिसाइकल बिन भी इनेबल नहीं है, हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी का भी बैकअप नहीं है, फिर भी हमें अपने यूजर्स OU जो भी एक्सीडेंटल डिलीट हो चुके हैं उनको रिस्टोर करना है, तो हाउ वी कैन रिस्टोर। तो दोस्तों चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर OU या यूजर्स डिलीट हो जाता है तो उसको रिस्टोर कैसे करें। तो दोस्तों ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है, अब देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो रिसाइकल बिन है वो इनेबल है या डिसेबल है। तो टूल्स में जाते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, यहां से हम चेक कर सकते हैं कि इनेबल है या डिसेबल है रिसाइकल बिन। अगर नहीं है तो उस वहां पे हम इनेबल कर सकते हैं, उसे डिसेबल कर सकते हैं। आपको आना है डोमेन लोकल, जो भी डोमेन नेम है आपका, मेरे केस में IT सुनील है, राइट। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपको इनेबल रिसाइकल बिन इनेबल लिखा है, मतलब कि ये डिसेबल है अभी इस कंडीशन में, राइट दोस्तों। तो जैसे आप इनेबल करते हैं तो ये इनेबल हो जाता है, जब इनेबल हो जाता है यहाँ पे एक एंट्री हो जाती है डिलेटेड ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो अभी यहाँ पे डिलेटेड ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तो रिसाइकल बिन यहाँ पे हमारी डिसेबल है, राइट। तो दोस्तों चलते हैं हम कोई OU या यूजर्स जो डिलीट करके देखते हैं और फिर उसे रिस्टोर कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर है उसको देखते हैं। तो हम चलते हैं DSA.MSC, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स के अंदर, जहां पे कि हमारे जितने भी यूजर्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं या OUs होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए
देख रहे हैं बहुत सारे OUs हैं, और जैसे IT डिपार्टमेंट, हेड ऑफिस दिल्ली, और SOD, HRD, लैपटॉप यूजर। तो दोस्तों हम लैपटॉप यूजर में चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे। देखिए एडमिन यूजर, HR1 यूजर, HR2 यूजर, एंड एक कंप्यूटर अकाउंट है जिसका नाम लैपटॉप 001 है। राइट दोस्तों, अब मान लीजिए कि हमने या बाय चांस हमारे से लैपटॉप यूजर जो अकाउंट है, OU है, वो डिलीट हो जाता है। सपोज मान लीजिए कि एडमिन यूजर है, वो हमारे से डिलीट हो गया। राइट, HR2 भी डिलीट हो गया मान लीजिए। उसके बाद लैपटॉप यूजर है, जो OU है, वो भी डिलीट हो जाता है। तो दोस्तों एक मैसेज आ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द ऑर्गेनाइजेशन यूनिट नेम लैपटॉप यूजर, यस। अब देखिए एक मैसेज आया, ये डिनाई कर रहा है, यू डू नॉट हैव सफिशियंट प्रिविलेज टू डिलीट द लैपटॉप यूजर और दिस ऑब्जेक्ट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन। दोस्तों ये नया फीचर आया 2012 में कि जैसे कोई आप यूजर डिलीट सॉरी OU डिलीट करते हैं, या जब आप कोई नया OU बनाते हैं, तो वो प्रोटेक्ट हो जाता है कि आपसे एक्सीडेंटल वो डिलीट ना हो, बाय चांस आप से एक्सीडेंटली वो डिलीट ना हो। राइट, तो ये एक नया फीचर है विंडो 2012 का। तो अगर इससे हटाना, मान लीजिए आपको डिलीट करना है, तो आपको क्या करना है, व्यूज में जाना है, एडवांस फीचर में आना है आपको। अगेन जिस OU की बात कर रहे हैं हम, लैपटॉप यूजर, राइट क्लिक करना है उस पर, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन। इसको अनचेक करेंगे, अनचेक के करने के बाद अप्लाई, ओके। अब इसे डिलीट करना चाहेंगे, डिलीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये डिलीट हो गया। राइट, अब ये एक्सीडेंटल डिलीट हो गया, तो अब हम इसको रिस्टोर कैसे करें। अब देखिए एक चीज और मैं दिखा देता हूं, जैसे आप नया कोई OU बनाते हैं, न्यू ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, तो ये देखिए ये ऑटोमेटिक ये चेक मार्क होता है, प्रोटेक्ट कंटेंट फॉर द एक्सीडेंटल डिलीट। राइट, तो यहां से आप नहीं रखना चाहते हैं, तो जब आप डिली क्रिएट करते हैं OU, तो उसमें अनचेक कर देंगे, तो वो डिलीशन के समय वो ऑप्शन नहीं आता, बट आपको ये बाय डिफॉल्ट रखना पड़ेगा और रखना चाहिए, सो देट कि हमें एक्सीडेंटल या किसी और से डिलीट ना हो जाए। ठीक है, ओके। तो अभी हमने लैपटॉप यूजर को डिलीट कर दिया है या डिलीट हो चुका है, अब हम उसे रिस्टोर कैसे करें। राइट, अब दोस्तों रिस्टोर करने के लिए हमारे पास ना तो रिसाइकल बिन इनेबल है, और ना ही हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप है, या एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप है भी तो अब हमें उसको डायरेक्टरी रिस्टोर मोड पे जाना पड़ेगा, और फिर हमें वहां से रिस्टोर करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है कि हमें एक्टिव डायरेक्टरी बंद करनी पड़ेगी, मतलब रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट की एक यूटिलिटी होती है जिसका नाम है AD रिस्टोर। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते। तो इसको चलाना कैसे है, कहीं भी आप सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, कहीं भी इसको डंप को रख लीजिए। ठीक है, आपको आना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करनी है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर CD CD। राइट, अब आपको लिखना है CD चेंज डायरेक्टरी AD रीस्टोर। राइट, क्लिक एंटर। अब आ चुके हैं आप AD रीस्टोर के अंदर। अब रेडी AD रीस्टोर के अंदर एक फाइल है दोस्तों, AD रीस्टोर। राइट, तो आपको लिखना है यहाँ पर AD रीस्टोर। दोस्तों ध्यान रहे कि आप लोगों को जैसे CD AD रीस्टोर लिख रहे हैं, तो ये सेंसिटिव करेक्टर है, तो आपको जैसे AD रिस्टोर कैपिटल लेटर में है,
तो जो कैपिटल लेटर में है वो उसको कैपिटल लेटर में लिखना है, और जो स्मॉल लेटर में है जो उसे स्मॉल लेटर में लिखना है, राइट। तो लिखना है हमें एडी रिस्टोर, देन स्पेस डैश आर, रिस्टोर करना है हमें, राइट। देन क्लिक एंटर। कैसे क्लिक एंटर करेंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट आपके डिलीटेड रहेंगे वो सारी एंट्री यहां पे शो करेगी। अब देखेंगे एडीसी करके एक ऑब्जेक्ट है जो कि डिलीटेड है, उसको हमें नहीं रिस्टोर करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली नो करना है, अगेन क्लिक एंटर। देखिए एक एडीसी करके एक और डिलीटेड हुआ है, इसको भी नहीं चाहिए हमें, ओके। एडमिन, एडमिन देखिए एक यूजर जो कि हमने अभी डिलीट किया था, राइट। तो इसको हमें रिस्टोर करना है, तो हमें क्या करना है, यस करना है यहाँ पे। डेस्कटॉप 001, इसको भी हमें रिस्टोर करना है, तो क्लिक करना है यस, देन एंटर। देखिए यहाँ पे DFSR लोकेशन, इसको नहीं करना है हमें, तो नो करेंगे। यहाँ पे डोमेन सिस्टम वॉल्यूम नो। यहाँ देखिए HR1 को हमने डिलीट किया था, ठीक है, तो मैं क्या करना है, यस करना है। HR2 यस, देन एंटर। लैपटॉप 001 यस, एंटर। RID सेट नो, सिस वॉल्यूम नो। अभी यहां पे देख रहे होंगे कि डिस्टिंग्विश नेम OU लैपटॉप यूजर, जो OU था हमारा लैपटॉप यूजर, उसको रिस्टोर करना है या नहीं, तो हमें रिस्टोर करना है, तो आपको क्लिक करना है यस, देन क्लिक एंटर। अब देखिए सक्सेसफुली आपके जो भी डिलीटेड OU थे सक्सेसफुली रिस्टोर हो चुके हैं। तो चलिए हम देखते हैं, वापस वहीं पे चलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर के अंदर, और देखते हैं क्या हमारा OU रिस्टोर हो चुका है या नहीं। रिफ्रेश करते हैं, ये देख पा रहे होंगे आपके लैपटॉप यूजर। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे जितने भी OUs थे, OU और जितने भी हमारे यूजर्स थे, राइट, वो हमारे सक्सेसफुली यहाँ पे रिस्टोर हो चुके हैं। तो आप देख पा रहे होंगे आपके सामने एडमिन यूजर डेस्कटॉप HR1 HR2 लैपटॉप 001 जो पहले डिलीट हुआ होगा उसको भी रिस्टोर हो गया है, राइट। तो आप सिंपली इनको क्या करना है, अभी देखिए जैसे रिस्टोर होते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, डिलीटेड ऑब्जेक्ट, तो बाय डिफॉल्ट वो डिसेबल होते हैं। आपको सिंपल क्या करना है, राइट क्लिक एंड इनेबल अकाउंट, राइट। यहाँ पे सिंपल इनका पासवर्ड चेंज करना है, क्योंकि अभी आप अगर इसे इनेबल करेंगे तो इनेबल नहीं होगा, क्योंकि इनका पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। पासवर्ड डज नॉट मीट द लेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप पासवर्ड इसका चेंज करें, रिसेट पासवर्ड विथ कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, ओके। अब इनको इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सबको करना है, आपको पासवर्ड रिसेट करना है, देन इनेबल। रिसेट पासवर्ड, देन इनेबल, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह आप विदाउट इनेबल रिसाइकल बिन आप किसी भी एक्सीडेंटल डिलीटेड यूजर या OU जो भी आपके ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिलीट हो चुके हैं उनको आप रिस्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे कि कोई भी एक्सीडेंटल यूजर या ऑब्जेक्ट एक्टिव डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट अगर डिलीट हो जाते हैं तो
how we can restore with the help of AD restore utilities. तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी ये वीडियो. तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए सो दैट कि वो भी इस वीडियो से कुछ एडवांटेज ले पाए और अपनी नॉलेज ग्रोथ कर पाए. तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक अपना ध्यान रखिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. टेक केयर. बाय बाय.